ऐसे ही मार्केट में निकलती हूँ तो सारे लड़के मर जाते हैं मुझे देख करके। हेलो बीबीसी, हूँ मैं साउथ दिल्ली की वीकेंड वाली डाइट एलमन वाला की मैडम, जो कड़ेगा ना मैं वही गेड़ूंगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं बैठूंगी। नमस्कार, प्रणाम, मैं मिठू और मैं मानसी। दोस्तों यहाँ पर साथ में जो भैया का देख रहे हैं, यहाँ हमारे सीतामढ़ी जिला के हमारे बगल के हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? एडी मेरा नाम प्रियंका है। एडी सच में मेरा नाम प्रियंका, आप देखो तो सही। कहाँ से प्रियंका लग रहा है आप लड़का? सुनिए ना, मैं ना आपको देख नहीं रही हूँ, लेकिन हूँ बे यारी। ऐसे ही मार्केट में निकलती हूँ तो सारे लड़के मर जाते हैं मुझे देख करके। अच्छा, अरे हाँ सच में कह रही हूँ। ऐसा क्या आपने? अरे मेरे अंदर हर एक चीज है, पर अरे लड़कों को मैं ऐसे ही मार देती हूँ बस अपने लैंग्वेज से। ए महाराज, इधर लड़का लगा है, लड़का है, ये लड़का के दाढ़ी कहाँ से हो जाएगा लड़की को? अरे लड़की लोग को भी होता है ना। अच्छा, नहीं ना होता है इन आपको तो हड़ा हरा दाढ़ी, हम क्या होता है। चले खंडने हो, चलिए फिर आपको तो दाढ़ी है, तो हम लड़के हैं तो दाढ़ी नहीं रहेगा। बताइए, बताए ना, आप बात चेंज करिएगा, लड़की के बारे में बोलिएगा, लड़की के आवाज में पूछिए। आपको तो ये दाढ़ी है, एडी दाढ़ी तो होगी ना। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? एडी सीतामढ़ी भवदेपुर। भवदेपुर, हमारे सीतामढ़ी के हैं आप। हाँ। हमें तो कुछ दिन से आपका वीडियो वायरल चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? अरे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अरे प्यार मिल रहा है अपने सीतामढ़ी जिला से बहुत ही ज्यादा। अच्छा चलिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप बताइए शादी किससे करने वाले हैं आप, लड़का या लड़की से? अरे सुनिए, ऐसे तो सिर्फ वॉइस चेंज करके बोल रहे हैं, शादी तो लड़की से ही होगी ना। पकड़ा गया, लड़का है, लड़का है। अभी पकड़ा गया, लड़का है, अब पता चला है लड़का है, लेकिन एक्टिंग इनका देखिए, अपने दम पर खड़ा होने वाले व्यक्ति ऐसे ही लोग यही कहते हैं। ऐसे पहले कहाँ काम आप कर रहे थे? इससे पहले कहीं नहीं काम कर रहे थे, बस बीएसपी टीम में थे, लेकिन अब नहीं है। और कुछ बताइए, जैसे कहाँ क्या करते हैं अभी आप? अभी पार्ट टाइम वीडियो शूट करते हैं। लड़की के बारे में बोलिएगा, कंटिन्यू लड़की है। अरे सुनिए, मैं कह रही हूँ, अरे सुनिए ना मानसी जी, आज के बाद से आप इनको छोड़ दीजिए, ठीक है? और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ठीक है, वैसे भी सुनिए, अरे आप एक इंटरव्यू देखे थे ना, वैसे तो आप कुछ कहते नहीं है, तो सॉरी, मेरे पास तो ऐसे 75 आ जाएंगे, क्योंकि लड़कियाँ का डायलॉग है कि हाँ अरे तुम्हारे जैसे ना मेरे पास 75, यार ऐसे मत बोला करो। अच्छा अच्छा ये बताइए, अब आपके मोबाइल पर किसी लड़का को फोन करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? लड़की अगर कोई लड़का फोन किया तो सबसे पहले लड़की की वॉइस में ऐसे बोलेंगे। बोल बताइए। एडी हेलो, हाँ कौन बोल रहे हो आप? फिर उधर से रिप्लाई आता है, सूरज कहाँ है? एडी वो ना मतलब मार्केट में गए हैं कुछ सामान लाने, मैं उनकी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। आप क्या मतलब क्या काम है उनको आपसे, मतलब कि आपको क्या काम है उनसे? अच्छा तो वो बोलता है कि उधर से कि थोड़ा बात करवाइए कि काम है, तो हम उसको ऐसे ही लड़की की वॉइस में रिप्लाई करते हैं। अरे ठीक है, वो आ रहा है ना, तो फिर हम बात करवा देते हैं। तब तक आप 2 मिनट मेरे से बात कर सकते हैं क्या? पूरी सॉल्व हो जाता है कि अरे यार लड़का तो और खुश हो जाएगा, हाँ गर्लफ्रेंड है उसकी और बात हमसे कर रहा है। तब क्या करते हैं, रिप्लाई क्या देते हैं? रिप्लाई यही करते, वही पूछा कैसी है आप। एडी मैं एकदम मस्त हूँ। ऐसे ही पूछते हैं तो बोलते हैं कि वो पूछते हैं कहाँ से मिले आप उसको? एडी ऐसे ही रास्ते में भटक रही थी तो उसको देख ली और मैं मिल गई उसको। अच्छा अच्छा, ये बात करते बहुत ही अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। आपको सब जान गया होगा तो अब नहीं आप बात में फंसता होगा। अब लड़की नहीं फंसने वाले, कितने गर्लफ्रेंड होने वाले? गर्लफ्रेंड एक कैमरा में चल रहा है, कैमरा लड़की को फंसा लीजिएगा। किसी लड़की से फोन पे बात करिएगा, कहे कहिएगा कुछ दिन बात करिएगा, 5 दिन कहिएगा हम लड़की बोल रहे हैं, 15 दिन कहिएगा नहीं लड़का है, तो फंसी जाएगी ना। सब कुछ जानकारी ले लीजिएगा, नंबर ले लीजिएगा, फंसा लीजिएगा। नंबर तो ऐसे ही रिक्वेस्ट वाले मैसेज में सब सेंड करते जा रही है, लेकिन रिक्वेस्ट में से किसी को नहीं निकालते। ऐसे बात करिएगा बहुत सारे गर्लफ्रेंड हो जाएगी ना, इससे करेंगे बात तो बहुत सारी हो जाएगी, लेकिन करना नहीं। चलिए आगे बढ़ना है तो करना ही नहीं है। क्या करना है बताइए, क्या करना चाहता है? रैपर बनना है। रैपर, एक गाना गा दीजिए। कौन गा रहा है? रैप सॉन्ग गाते हैं। सीतामढ़ी वाला सुनो, सीतामढ़ी वाला। मेरी चांद का टुकड़ा तुम कहाँ जा रही हो, रिप्लाई नहीं देती, बहुत भाव खा रही हो, तेरे लिए सब से हम लड़ जाएंगे, तू बोल के तो देख हम मर जाएंगे, पागल हुआ मैं तेरे पीछे, सहेली लोग तेरी मेरा फोटो खींचे, पटाए बिना तुझको छोड़ूंगा नहीं, भागूंगा तेरे पीछे पीछे, ए पीछे पीछे, ए तेरे पीछे।
बहुत अच्छा करना है आपका। अच्छा एक बात और बताइए, तो आप लड़का के बारे में गा रहे हैं, अगर लड़की की जरूरत होगा तो आपको तो लड़की सिंगर नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आप अपने गा लीजिएगा। थोड़ा सा दो लाइन लड़की के बारे में भी गा के सुनाइए। हेलो बीबीसी, हमें साउथ दिल्ली की वीकेंड वाली डाइट एलमंड वाला की मैडम, जो कड़ी गाना मैं वही गेड़ूंगी, ऐसी छोटी मोटी गाड़ियों में नहीं बैठूंगी। अबे जानती नहीं तू, हमें बहुत बड़ा जी हेवी ड्राइवर आते है, सबकी मौज कह रहा थी, थोड़ा बाउंस करे दिल्ली सबकी मौज कह रहा थी। बहुत अच्छा गाना है आपका, लेकिन ये गाना तो हमको समझ में नहीं आता, भोजपुरी आता है लड़की का। देखिए ये साउथ चाहे कोई भी हो, हमको भोजपुरी के अलावा रैप सॉन्ग सब हमको अच्छा नहीं समझ में आता, भोजपुरी में लड़की की आवाज, लड़के की आवाज में गई भोजपुरी में। कौन सा गाना आता है कोई अच्छा वाला? अच्छा जो अच्छा लगता है सुना। ए राजा जी सुहाग वाली रतिया, कट जाई बिजली बिगड़ जाई बतिया, काकड़ वो तू अनहड़िया में राजा, काकड़ वो तू अनहड़िया में ललटेन तल्ला लटेन, जड़ा के धड़ोरा नी तो के पजड़िया ललटेन। चलिए भोजपुरी का संग्रह कैसा रहा, और ये हमारे सीतामढ़ी जिला के रहने वाले हैं, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट लाइक शेयर जरूर करिएगा, ढेर सारा इनको प्यार दीजिएगा, साथ में हम दोनों का भी प्यार। और अगर इनसे और भी ज्यादा आप लोग बात करना, मतलब इनका बात सुनना चाहते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, फिर से हम इनसे मिलेंगे और आप लोग दिखाएंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बाय।